तो वार्म मॉडल में हमें कैसे कस्टर्ड व्हील की असेंबली करनी है प्रोडक्ट के साथ। तो बेसिकली आपको जो एसेसरीज मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। उसमें आपका एक प्लेट होगा, ये इनबिल्ट, इसमें आपकी जो व्हील्स होंगे इनबिल्ट होंगे, रिवेटेड होंगे, और दूसरा भी सेम ऐसा ही होगा। उसके साथ आपको एक यू क्लम्प, दो यू क्लम्प मिलेंगे जिसको आपको उसमें फिट करने के लिए होगा। तो इसको, इसमें आप सबसे पहले क्या करना है कि ये जो यू क्लैंप है इसको आप ओपन कर लेना। इसमें जो नट दिया गया है, इसके बाद हमारा ये वर्म मॉडल है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें यहाँ पे, यानी फर्स्ट, ये जो पिन और फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो गैप है यहाँ पे, आप इसको ऐसे लगा देना। इसके बाद ये जो प्लेट है, अब ध्यान देना ये कट दिया गया है इसमें, ताकि ये जो स्क्रू है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस कट में आ जाए। तो आप इस, तो बिल्कुल आप इस साइड से जहाँ पे ये कट है उस साइड में आप स्क्रू के साइड में रख के, अब इसको इसके साथ आप इसको लगा सकते हैं। तो आपने देख रहा होगा, आप पहले इसको फिट करना है नीचे साइड से, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे एक नीचे साइड से आपको लगाने के बाद ऊपर साइड से आप इसको इसके साथ ऐसे फिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप नट टाइट कर दोगे। तो जो ये कट है ये बेसिकली स्क्रू के लिए दिया गया है कि स्क्रू यहाँ से फंसे ना, उसमें लगे ना। तो हम इसमें नट टाइट कर देंगे इसके बाद। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने स्क्रू इसको टाइट कर रखा है। तो ये कस्टर्ड व्हील की असेंबली हो गई। और एक हम यहाँ पे कस्टर्ड व्हील की असेंबली कर देंगे लास्ट फिन्स और उससे पहले वाले फिन्स में। तो ये बिल्कुल आप फुल टाइट कर देना है इसको, ताकि ये मोमेंट ना रहे इसमें। तो मैं दूसरी वाली फिन्स भी असेंबल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये कस्टर्ड व्हील की असेंबली वर्म मॉडल में हमारी हो गई है फाइनली। तो इस तरह से असेंबली करनी है इसकी। ओके, थैंक्स।